नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया की पांच सबसे लग्जरियस कारों के बारे में जो किसी सुपर कार से कम नहीं है और हो सकता है कि इनमें से एक आपकी ड्रीम कार भी हो। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मर्सिडीज बेंज इक्यू सिल्वर एरो। दोस्तों, मर्सिडीज कंपनी अपनी लग्जरियस कार के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। मर्सिडीज की ये कार बहुत ही हाईटेक है। इस शानदार कार को चीफ डिजाइनर गार्डन वेगनर ने डिजाइन किया है। इस कार में 550 किलोवाट की मोटर है जो कि 750 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इसकी बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद आप इसे लगभग 450 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इस कार के साइड में आपको एयरबैग्स दिए गए हैं जो कि बैटरी को कूल करने के लिए हेल्पफुल हैं। लेकिन इस कार में सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। इस कार में बैठने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी एरोप्लेन का सफर कर रहे हैं। इस कार में यूज किए गए मटेरियल सारे हाई क्वालिटी के हैं। मिनी विजन नेक्स्ट 100। दोस्तों, ये एक ब्रिटिश कंपनी है जो अपनी कार मिनी कूपर और मिनी कंट्री के लिए फेमस है। ये फुली इलेक्ट्रॉनिक कार है जिसके फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट के साथ साथ एलईडी विंडशील्ड भी दी गई है जिससे आप सभी इंफॉर्मेशन इसकी विंड स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस शानदार कार का रियर कमाल का है। इसके गैजेट स्लाइड होकर खुलते हैं और जैसे ही आप इस कार के पास जाते हैं तो ये कार आपको पहचान लेती है और आपको पहचानने के बाद गेट ऑटोमेटिक से ओपन हो जाते हैं और ये कार आपका स्वागत करती है। दोस्तों, मिनी कूपर की ये कार हाईटेक होने के साथ साथ पावरफुल भी है। टोयोटा कॉन्सेप्ट आई। दोस्तों, टोयोटा का ये कार कॉन्सेप्ट सच में कमाल का है। इसमें आगे की तरफ एलईडी हैंडलैम्प दिए गए हैं, साथ ही इसमें आपको सीजर डोर भी देखने को मिल जाते हैं। इस कार के पीछे की तरफ आपको एलईडी इंडिकेटर के साथ साथ एलईडी स्क्रीन भी देखने को मिलती है जिससे पीछे चलने वाली गाड़ी आसानी से इंडिकेट कर सकती है कि आप टर्न लेने वाले हैं। इस कार को चलाने के लिए आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही इसका इंटीरियर भी शानदार है और मैं आपको बता दूं कि इस कार में चार लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ऑडी ई-ट्रॉन। ऑडी अपनी लग्जरियस कार्स के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसी के साथ ऑडी कंपनी ने एक नया कार कॉन्सेप्ट पेश किया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार होने के साथ साथ बहुत हाईटेक भी है। इस कार के फ्रंट व्हील में 150 किलोवाट की एक बैटरी है, साथ ही रियर व्हील में दो अलग अलग 350 किलोवाट की मोटर है जो 670 हॉर्स पावर जनरेट करती है। ये इलेक्ट्रॉनिक कार किसी भी डीजल या पेट्रोल कार से कम नहीं है क्योंकि ये 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 2 सेकंड में ही रीच कर लेती है और इसकी तीनों बैटरी को आप एक बार फुल चार्ज करके 500 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। टाटा ई विजन। टाटा कंपनी की इस कार को आप एक परफेक्ट कार कह सकते हैं। यह कार जितनी बाहर से लग्जरियस है उतनी शानदार अंदर से है। इस इलेक्ट्रॉनिक कार को सबसे पहले जेनोवा मोटर शो में रिप्रेजेंट किया गया था। यह कार इम्पैक्ट 2.1 पर बेस है जिससे कार की परफॉर्मेंस काफी बेहतर की गई है। इस कार में आसानी से चार लोग ट्रेवल कर सकते हैं, साथ ही इसके सभी पैनल एलईडी के बनाए गए हैं। इसका लुक बेहद ही शानदार है और स्पीड फास्ट है। इस कार में दो इलेक्ट्रॉनिक मोटर हैं और साथ में एक बैटरी भी। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी कार परचेज करना चाहोगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।